अनक्वेंचेबल थर्स्ट, ऐसी प्यास जो बुझे ही ना, और जब ये अलामत हो तो रेवनेस हंगर। रेवनेस का मतलब है कि रेवन्स जिस तरह खाते हैं काले कौवे, तो रेवनेस से मुरादी होती है बहुत भूख जो शदीद हो, बेचैन कर दे, इसलिए रेवनेस हंगर होती है, और साथ प्यास भी, और दोनों खाना खाने से भूख मिटती है ना पीने से प्यास बुझती है। तो ऐसी लामतें इन दो चीजों में पाई, इन चीजों में पाई जाती हैं। ये एक अजीब बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में बाहर ऐसे लोगों को देखा, आग में गिरते हैं और फिर बाहर आते हैं नूर से, और फिर वापस चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो जिब्राइल ने बताया ये वो लोग हैं जो ऐसी फाशा में मुबतला थे। तो इस बीमारी की जात में ये बात है कि एक दफा थोड़ी सी प्यास बुझ जाए तो इंसान समझता है मैं इससे निजात पा गया हूं, फिर दोबारा वो आग भड़क उठती है, फिर वो खत्म हो फिर भड़क उठती है। तो ये जो प्यास और भूख है इसमें भी यही नमूना है इसका, खाना खा ले पानी पी ले थोड़ी देर के बाद फिर वही भूख वही प्यास। तो ये अलामतें जो है ये अगर आप गहरा मुताला करें तो रूह के जो अतवार हैं उनसे जिस्मानी बीमारियां मिलती जुलती होती हैं और आपस में एक ही सिंगल एंटिटी है। तो मैं इसको हम तकसीम कर देते हैं जिस्मानी रूहानी में, मगर बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक एक ही जात से है, यानी उस इंसान से जिसके अंदर एक जात बसी हुई है।